नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं साक्षी इस वक्त बड़ी खबर के साथ। तीन राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या 2024 के लोकसभा के नतीजों पर डालेंगे असर? हम बात करने वाले हैं नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में विधानसभा के चुनावी नतीजे के बाद उसके असर की। आपको बता दें, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में विधानसभा के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अब इनके नतीजे भी एग्जिट पोल के जरिए अलग अलग चैनलों पर बताए जा रहे हैं। आज हम इन्हीं चुनावी नतीजे के असर को लेकर बात करेंगे कि क्या अगर इन राज्यों में भाजपा की जीत होती है या हार होती है तो इससे कोई फर्क 2024 के लोकसभा चुनावी नतीजों में पड़ सकता है या नहीं। सबसे पहले आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं और इस साल इन राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो इसी साल होने वाले 6 अन्य राज्यों के चुनावों की सियासी पटकथा लिखने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसका सीधे तौर पर असर लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बता दें कि नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के राज्यों में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से नागालैंड की 1 लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी की सहयोगी एनडीपीपी को जीत हासिल हुई थी। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में शिलांग सीट पर कांग्रेस और तुरा सीट पर बीजेपी की पूर्व सहयोगी एनपीपी को जीत हासिल हुई थी। वहीं त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। बताते चले कि विधानसभा चुनावों को लेकर सामने आए एग्जिट पोल के मुताबिक त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी आसानी से सत्ता में वापसी करती दिख रही है। वहीं मेघालय चुनाव को लेकर सामने आए सभी एग्जिट पोल त्रिशंकु विधानसभा की ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के पूर्व राज परिवार के प्रद्योत माणिक्य देव वर्मा के नेतृत्व में टिपरा मोथा पार्टी के बेहतर प्रदर्शन से सीपीआई और कांग्रेस इस बार रसातल में जाते दिख रहे हैं। बात करें मेघालय विधानसभा चुनाव की तो सामने आए तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस के सिकुड़ने का अनुमान भी लगाया गया है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार 60 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 3 से 6 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं बीजेपी को 6 से 11 सीटें मिलती दिख रही हैं। बंगाली मतदाताओं के भरोसे चुनावी मैदान में उतरी ममता बनर्जी की टीएमसी को भी 8 से 13 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं सत्तारूढ़ दल एनपीपी को 21 से 26 सीटें मिलती दिख रही हैं। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 10 से 19 सीटें जाती दिख रही हैं। तो वहीं एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस को 6 से 12 सीटें मिलती दिख रही हैं। मेघालय के इस एग्जिट पोल में बीजेपी को महज 4 से 8 सीटों पर सिमटने की संभावना जताई गई है। वहीं एनपीपी को 8 से 24 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अन्य के खाते में 17 से 29 सीटें जाने की संभावना है। इन एग्जिट पोल के आधार पर देखा जाए तो 2024 के चुनाव में राज्य की 2 सीटों पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं एनपीपी और बीजेपी के एग्जिट पोल खुशखबरी लेकर सामने आते दिख रहे हैं, जो विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव में भी पार्टियों को बढ़त दिखाते नजर आएंगे। वहीं त्रिपुरा विधानसभा चुनावों को लेकर सामने आए मीडिया रिपोर्ट्स के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 36 से 45 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। बता दें कि त्रिपुरा के पूर्व राज परिवार की पार्टी टिपरा मोथा यानी टीएमपी को 9 से 16 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। आपको बता दें, भाजपा पार्टी पिछले बार की तरह इस बार भी 303 सीटों की जीत की कोशिश दोहराने में है। ऐसे में भाजपा पार्टी के कई बड़े नेताओं की आकस्मिक टिप्पणियां और उनके बयान कहीं न कहीं इस दिशा में एक रोड़ा बनती भी नजर आ रही है। इसके अलावा बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो पिछले महीने राष्ट्रीय राजधानी में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं को फिल्मों और व्यक्तित्वों के बारे में अनावश्यक टिप्पणियां करने के प्रति आगाह किया था। उनका कहना था कि हम जो कड़ी मेहनत करते हैं उन पर इस तरह की टिप्पणियां भारी पड़ती हैं। बता दें, यह पहली बार नहीं हुआ है जब उन्होंने यह टिप्पणी की थी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिल्मों को लेकर बयानबाजी करने वाले नेताओं को नसीहत देने के बाद गृह मंत्री मिश्रा के सुर बदल गए। बताते चलें कि भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर सहित कुछ वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भी पठान मूवी को लेकर टिप्पणियां की थी। बहरहाल अब इन दिनों
इन तीनों राज्यों के नतीजे सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किसका प्रदर्शन कितना जोरदार है। फिलहाल विशेषज्ञों का यही मानना है कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलने के पूरे आसार हैं। बाकी अब रहेगा 2024 के लोकसभा का इंतजार। हम लेते हैं आपसे विदा, देखते रहिए इंडिया 24x7।